नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त हम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में। और रोहिणी सेक्टर 28 में दिन दहाड़े 3 घंटे तक लगातार फायरिंग चली है, जिससे पूरी राजधानी जो है वो दहशत में हो गई है। ये सीधी लाइव तस्वीरों के जरिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में दिन दहाड़े एक संकी 3 घंटे तक लगातार फायरिंग करता रहा, जिससे पूरा का पूरा माहौल दहशत में हो गया है और पूरी दिल्ली दहशत में हो गई है। देख सकते हैं कि पूरा मामला बताया जा रहा है कि रोहिणी के बागबान अपार्टमेंट में, जो कि सेक्टर 28 में है, उसी एक 508 नंबर फ्लैट में एक संकी होता है जो लगातार बता रहे कि 3:30 से 4 बजे से लगातार फायरिंग कर रहा था और दिल्ली पुलिस मौके पर नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही दिल्ली पुलिस पहुंची तो अभी उस फायरिंग करने वाले शख्स को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में उसके साथ एक असला भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको लेकर गया हुआ है। लेकिन अभी यहां पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो लगा दी गई है। भारी पुलिस फोर्स इसलिए लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना, कोई और शख्स ऐसा ना हो जो लगातार फायरिंग कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार दिल्ली में एक बार फिर दिन दहाड़े लगातार 3 घंटे तक फायरिंग होती है और दिल्ली पुलिस लगातार सोती रहती है, कई जिस तरीके से देख सकते हैं कि खुलेआम हवा में फायरिंग की गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किसी को गोली लगी है या किसी की हताहत होने की कोई सूचना मिल पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि सूत्रों के द्वारा कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 3-3 घंटे तक फायरिंग चलती है और दिल्ली पुलिस सोती रहती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। बताया जा रहा है कि बागबान अपार्टमेंट है और बागबान अपार्टमेंट के 508 नंबर फ्लैट से शाम 3:30 और 4 बजे से लगातार फायरिंग हो रही थी और अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें हवा में फायरिंग की गई है और यहाँ के लोग पूरी तरीके से दहशत में हो गए। जैसे इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि कितनी गोलियां चलाई गई है, किस असले से गोलियां चलाई गई है और वो असला उस शख्स के पास आया तो आया कहाँ से। ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता है कि देश की राजधानी दिल्ली में 3 बजे से लगातार फायरिंग की जा रही है, वो असला कहाँ से मिलता है, किस तरीके से, क्या वो शख्स डिप्रेशन में जाकर ये फायरिंग करता है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी डीलर का ही कई सालों से लगातार काम कर रहा है। लेकिन वो कैसे संकी हो गया कि लगातार 3 बजे से और शाम 6 बजे तक फायरिंग करता रहता है, जिससे आसपास का पूरा भारत अपार्टमेंट दहशत के माहौल में हो जाता है कि किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही है। ये लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, मौके का मुआयना लगातार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की बिल्कुल पूरे भारत अपार्टमेंट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया है। ये बागबान अपार्टमेंट है और बागबान अपार्टमेंट के 508 नंबर फ्लैट में एक डीलर रहता है और वो डीलर शाम से 3:30 बजे से लगातार फायरिंग कर रहा है। मौके पर ACP भी यहां पर पहुंचे, DCP भी पहुंचे हैं और लगातार जो है वो मामले की छानबीन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिससे पूरा का पूरा माहौल, पूरी राजधानी दहल जाती है कि फायरिंग हो कहां से रही है। देख सकते हैं मौके की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरीके से मौके पर ACP नीरव पटेल, ये देख सकते हैं मौके पर ACP नीरव पटेल यहां पर पहुंचे हैं और लगातार छानबीन कर रहे हैं कि कौन फिलहाल शख्स को वहां से पकड़ लिया गया था और शख्स को अब सलाखों के पीछे भी कर दिया गया है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है कि पूरा मामला था क्या, क्यों वो शख्स 3:30 बजे से लगातार फायरिंग कर रहा था, जिससे पूरा का पूरा माहौल दहशत में हो गया। अब पूरे बागबान अपार्टमेंट को जो है पूरे बागबान अपार्टमेंट को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफ़ी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है, DCP ACP खुद मौके का मुआयना करने के लिए दिल्ली के बागबान अपार्टमेंट में पहुंचे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उस शख्स के पास वो हथियार कहाँ से आया, क्या वो हथियार अवैध था या लाइसेंस का था, ये अभी जांच का विषय है। अगर वो अवैध का था तो अवैध रूप से हथियार दिल्ली में आया कहाँ से, जिससे पूरी दिल्ली दहल उठी और 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार फायरिंग होती है, तो क्या दिल्ली पुलिस सोती रहती है या दिल्ली पुलिस को पता नहीं चल पाता है। अभी मौके पर देख सकते हैं मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं और मामले की छानबीन गहनता से कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और वो लगातार चेकिंग कर रही है।
ये लाइव तस्वीरें हम आपको देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी से दिखा रहे हैं। रोहिणी में एक बागबान अपार्टमेंट है जहाँ 508 फ्लैट नंबर में एक डीलर रहता है और बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से वो डीलर डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में जाने के बाद आज उस शख्स ने इतनी गोलियाँ चलाई हैं, अंधाधुंध गोलियाँ चलाई है जिससे लोग परेशान हो गए। और बताया जा रहा है कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कट्टे से देसी कट्टा था और देसी कट्टे से ये सभी फायरिंग की गई है। देसी कट्टा था और देसी कट्टे से बताया जा रहा है कि 5 से 6 फायरिंग हुई है। अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ सूत्रों के द्वारा बात आई है कि एक देसी कट्टा उसके पास से प्राप्त हुआ है जिससे 5 से 10 फायरिंग उससे ने वहाँ से की गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कि वो देसी कट्टा उस शख्स के पास आया कैसे, उस डीलर के पास आया कैसे। आखिरकार ये एक जांच का विषय बन चुका है कि ये अवैध तरीके से हथियार दिल्ली में सप्लाई होते कहां से है। सिर्फ गनीमत ये रही कि किसी भी अपार्टमेंट के लोगों को वो गोलियां नहीं लगी जिससे पूरे अपार्टमेंट में अभी फिलहाल जो है वो दहशत का माहौल जरूर है। हाजी भैया आप अपार्टमेंट से ही हो, आप अपार्टमेंट से भैया आप बाहर से भैया, अभी अपार्टमेंट के लोग जो अंदर हैं लेकिन यहाँ पे सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस किसी भी मीडिया को अलाउड नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 3:30 बजे से लगातार जो फायरिंग की जा रही थी और उसके पास देसी कट्टा मिला है और देसी कट्टे से बताया जा रहा है कि 5 से 6 गोलियां चली है जिससे पूरा का पूरा बागबान अपार्टमेंट दहशत में हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है कि दिल्ली में ये अवैध तरीके से हथियार आते कहाँ से है, इनका सप्लाई है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार। हालांकि अभी उसको सलाखों के पीछे कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। नमस्कार, देखते रहिए दिल्ली समाचार।